और इस वक्त सीधा आप सभी को लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वारंगल में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी यहां बीआरएस और कांग्रेस दोनों का पत्ता साफ करने जा रही है। साथियों, यहां आने से पहले मुझे तेलंगाना के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। इनसे इस क्षेत्र में सुविधा तो बढ़ेगी ही, रोजगार के भी नए अनेक अवसर बनेंगे। पिछले 9 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। आज तेलंगाना में करीब 36,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2014 में तेलंगाना के लिए जो रेल बजट था, आज उसका 17 गुना 17 टाइम अधिक रेल बजट तेलंगाना के पास है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। साथियों, भारत की आत्मनिर्भरता में तेलंगाना की भूमिका बहुत बड़ी है। जब भारत ने तय किया है कि हम कोरोना की वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन बनाएंगे, तो तेलंगाना के लोगों ने आगे बढ़कर अपना दायित्व निभाया। जब भारत ने तय किया कि हम दवाइयों के लिए कच्चा माल बनाएंगे, तो तेलंगाना के लोग नई ऊर्जा के साथ जुट गए। जब भारत ने तय किया कि हम मेड इन इंडिया पर बल देंगे, तो तेलंगाना के मैन्युफैक्चरर्स ने पूरी ताकत लगा दी। जब भारत ने तय किया कि हम यूरिया में आत्मनिर्भर होंगे, तो वर्षों से बंद रहा रामागुंडम खाद कारखाना फिर से सजीव हो उठा। और साथियों, जब भारत ने अपनी रेल को आधुनिक बनाने का फैसला किया, तो भी इसमें तेलंगाना ही अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब काजीपेट में वैगन बनाने की नई फैक्ट्री बन रही है। यहां बनने वाले सैकड़ों वैगन भारतीय रेल के विस्तार और एक्सपोर्ट दोनों को बल देंगे। भाइयों और बहनों, बीते 9 वर्षों में पूरी दुनिया में देश का इतना गौरव बढ़ा है, भारत को लेकर आकर्षण बढ़ा है, इसका भी फायदा तेलंगाना को हुआ है। यहां पहले के मुकाबले अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इस ज्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा तेलंगाना के युवाओं को हो रहा है, उसे नौकरी मिल रही है। भाजपा सरकार ने दुनिया में भारत की जो साख बढ़ाई है, ये उसी का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि हां, तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया? साथियों, यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहां की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को,
रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है, एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है, इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया, चौथा इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया।